नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सौंपा ज्ञापन। देश भर में बेटियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग। विदिशा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि देश भर में बेटियों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि देश में धर्मांतरण की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। हरियाणा में जो निकिता की हत्या हुई है उसके संदर्भ में आज हमने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले नगरवासियों ने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। किन मांगों को लेकर ज्ञापन? हमारी मांग है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मांग है कि ऐसी हमारी बेटियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। देश में ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं जिससे हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, और अगर जो लड़की मानती नहीं है, बेटियां मानती नहीं हमारी, तो उनके साथ हत्या कर दी जाती है। जैसी घटना निकिता के साथ हुई है, आपने ध्यान में आया होगा कि ऐसी घटना बार बार हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उन्हें शस्त्र लाइसेंस बनवाया जाए और उनके ध्यान दिया जाए। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए जिनने उनकी हत्या की। खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.